एक बार एक संत लोगों को प्रवचन दे रहे थे, तभी एक साइंस का विद्यार्थी उठा और उसने सवाल किया, स्वामी जी मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या आपने भगवान को देखा है? स्वामी जी ने जवाब दिया, हाँ मैंने भगवान को महसूस किया है। विद्यार्थी ने कहा, स्वामी जी मैं साइंस का विद्यार्थी हूँ, मैं किसी भी बात को प्रूफ के बिना नहीं मानता, आपको मुझे प्रूफ देना होगा कि भगवान सच में होते हैं। स्वामी जी ने कहा, चलो ठीक है मैं तुम्हें आज प्रूफ दूंगा, लेकिन उससे पहले मेरे एक सवाल का जवाब दो। स्वामी जी ने पूछा, आप क्रिकेट खेलते हो? विद्यार्थी ने कहा, हाँ खेलता हूँ। स्वामी जी ने कहा, जिसने भी क्रिकेट का खेल बनाया है उसने 3 स्टंप ही क्यों रखे? 3 से ज़्यादा क्यों नहीं रखे? 4 या 5 स्टंप भी रख सकते थे। स्वामी जी ने विद्यार्थी से कहा, तुम 3 स्टंप के साथ क्रिकेट क्यों नहीं खेलते हो? क्या तुम्हें किसी ने प्रूफ दिया कि क्रिकेट में 3 स्टंप ही होने चाहिए? विद्यार्थी शांत हो गया। फिर स्वामी जी ने कहा, जीवन में हर चीज पर सवाल नहीं उठाए जाते, हर चीज सही गलत या प्रूफ के जरिए नहीं मापी जाती। भगवान पर विश्वास करने का अर्थ किसी व्यक्ति पर विश्वास करना नहीं, बल्कि अपने मन की शक्तियों पर विश्वास करना होता है। इसे मान लेने, अपना लेने से आपका ही फायदा है, किसी दूसरे का नहीं। दोस्तों, लोग हमेशा बेमतलब की चीज़ों पर तर्क करते हैं। मान लीजिए अगर आप अंदर से कमज़ोर और दुखी हैं, फिर भी आप खुद से कह रहे हो, नहीं मैं कमज़ोर नहीं हूँ, मैं दुखी नहीं हूँ, और खुद को झूठ बोलकर भी हिम्मत दे रहे हो, तो इसका कोई बुराई नहीं है। दोस्तों, ये स्टोरी हमें यही बताती है, बेमतलब की बातों में टाइम वेस्ट ना करें, और अगर आपको लगता है कोई बात आपके जीवन को अच्छा बना सकती है तो उस बात को अपना लें, फिर चाहे वो बात दुनिया को झूठी ही क्यों ना लगे। झूठ को भी अपना लीजिए अगर वो झूठ आपके जीवन को बेहतर बना सकता है तो। दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कृपया करके आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये पोस्ट आपको कैसी लगी, गुड और बैड, ताकि हमें भी पता लगे कि हम अच्छे से ज्ञान बांटने में कितना सफल हो रहे हैं। और हाँ, अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, ताकि मैं जब भी अपना न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आप तक पहुँचे।